साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और आज है 20 अप्रैल 2018 और चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन आज भी जो देश की जानकारी थी, आप सोच रहे होंगे क्यों शामिल नहीं की गई है, क्योंकि अप्रत्याशित कारणों से आज भी मैं नहीं जा पाया हूँ अपने ऑफिस, अपने काम पर। अभी भी बाहर ही हूँ मैं अपने शहर से, इसलिए आज भी आपको इसी तरह से इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कल से संभवतः हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा शहर जो है ग्लोबल आईटी चैलेंज फॉर यूथ विथ डिसेबिलिटीज़ GITC 2018 की मेजबानी करेगा। तो 8 से 11 नवंबर के बीच में ये प्रोग्राम होने वाला है, और ये प्रोग्राम जो होगा नई दिल्ली के अंदर होगा। ये जो प्रोग्राम है एशिया पैसिफिक, यानी एशिया और पैसिफिक के जो देश हैं उसके सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। लगभग 24 देशों के 120 से ज़्यादा जो डिसेबल छात्र होते हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं, और आईटी का जो चैलेंजेस होते हैं उसके तहत इसमें भाग लेंगे। तो 8 से 11 नवंबर 2018 के बीच में आयोजित होगा ये। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने नेशनल कैडेट कोर के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल पीपी मल्होत्रा। लेफ्टिनेंट जनरल पीपी मल्होत्रा ने जो है नए डीजी बनाए गए हैं, और इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है BS सारस्वत का। BS सारस्वत इससे पहले जो थे लेफ्ट यहाँ के डीजी थे, अब इन्होंने उनका स्थान ले लिया है। और हम बात कर लेते हैं एनसीसी। हाल ही में काफ़ी चर्चा में आया था एनसीसी, इसलिए चर्चा में आ गया था कि एक कार्यक्रम में राहुल गांधी से एक लड़की ने एनसीसी के बारे में पूछा था, और राहुल गांधी जो है उसका जवाब नहीं दे पाए थे। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके लिए एक्ट बना था उस समय, उसके बाद इसकी स्थापना, हालांकि 1920 1917 से ये इसी प्रकार की विंग काम कर रही है, लेकिन स्वतंत्र भारत में जो है 15 जुलाई 1948 से ये जो इसकी शुरुआत होती है। और इसका जो मोटो है ये पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा भी गया है, एकता और अनुशासन, ये इसका मोटो है, एकता और अनुशासन, ये एनसीसी का मोटो है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 35 वर्षों में पहला सिनेमा घर अपने आप खोला है? ACM सिनेमा के नाम से खोला है, और जैसा कि आपको पता है ये हो सकता है कहाँ पर, सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है, काफ़ी कट्टरपंथी कंट्री मानी जाती है, तो यहाँ पर सबसे पहला भी जो है सिनेमा घर खोला गया है 35 सालों के बाद में। और अगर सऊदी अरब की हम बात करें तो राजधानी इसकी रियाद है, और यहाँ के जो राजा हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो है मोनार्की चलती है, तो यहाँ के राजा जो हैं सलमान, किंग सलमान उनका नाम है, किंग सलमान यहाँ के राजा हैं। चलिए वहीं कुवैत की बात कर लेते हैं। कुवैत की जो राजधानी है कुवैत सिटी है, और यहाँ के जो राजा हैं एम्परर हैं वो हैं सबाह अहमद अल सबाह। वहीं पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और यहाँ के जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं साहिद अब्बासी हैं। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी है ढाका, और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है उसके बारे में आप मुझे जो है कमेंट करके जानकारी दीजिएगा कि कौन यहाँ की प्रधानमंत्री है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे क्यूबा का राष्ट्रपति चयनित किया गया है? क्यूबा अमेरिका के पास में एक छोटा सा देश है क्यूबा, और यहाँ पर लगभग 1959 से जो है कास्त्रो, अगर आपने नाम सुना हो, कास्त्रो बंधु की हुकूमत थी। हुकूमत से मतलब वहाँ कास्त्रो बंधु यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी भी रहे हैं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन क्रांति में उस देश की मजबूती के लिए बिताया है। तो फिदेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो, ये दो कास्त्रो बंधुओं की थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है राउल कास्त्रो जो कि फिदेल कास्त्रो के छोटे भाई थे, 2006 में राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। अब इनके स्थान पर मिगेल डियाज को जो है राष्ट्रपति बनाया जाएगा। अभी बनाया नहीं गया है, अभी इसके लिए बनाया जाएगा, वोटिंग होगी, लेकिन इनका बनना लगभग लगभग तय है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद कास्त्रो बंधुओं की जो वहाँ से सत्ता समाप्त होने वाली है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरुआत की है, और उस कार्यक्रम का नाम है स्टडी इन इंडिया। इसके लिए जो है सरकार ने नया कार्यक्रम बनाया, और इसी नाम से स्टडी इन इंडिया के नाम से एक वेब पोर्टल भी बनाया जाएगा इसी के लिए। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसने फ्यू ग्लोबल लिंकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, और वो जो है केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय दोनों के द्वारा की गई है, तो उपरोक्त तो दोनों इसका सही आंसर होगा। तो इसके द्वारा मिलाकर यह जो एक
डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगर फ्यू की बात कर लें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, और 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ये याद रखिएगा कब इसकी स्थापना हुई थी, 1965 में। और ये जो है वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अप्रैल 2018 में भारत वाइसबेडन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में ये सम्मेलन को आयोजन किया गया है, और ये जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली के अंदर ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस मायने में है, जैसा कि आप इस पर देख पा रहे हैं, UNODA यूनाइटेड नेशंस का एक संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसका संकल्प है 1540, ये उससे जुड़ा हुआ है। 1540 संकल्प क्या कहता है? जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियार जो है वो सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए, आतंकवादी संगठनों के पास वो नहीं पहुंचना चाहिए, तो उनके बारे में ये है। तो उसी के क्रियान्वयन के लिए जर्मनी की सरकार द्वारा 2012 में जो है वाइसबेडेन कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी, और उसी के कंटिन्यू करते हुए 2018 में भारत में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो चलिए आज की बात होती है यहीं समाप्त। आई होप कि ये वीडियो होगा आपके लिए उपयोगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।